मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसकी अज़ीम तौफीक से हम उसकी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। दुनिया इस्लाम की अज़ीम हस्ती खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाहु ताला अन्हु, आपकी सीरत पे यह हमारा दूसरा आज का दर्स है। तो मैं आगाज़ बतौर बरकत हदीस रसूल से करना चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, बैन अना नाइमुन रअयतुन नास युअरदून अलै। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सो रहा था, क्या मैं सो रहा था तो मैंने लोगों को देखा कि लोग मुझ पर पेश किए जा रहे हैं, यानी मेरे सामने लाए जा रहे हैं। वअलैहिम कुमुस हैं, क्या हैं? नबी अलैहिस्सलाम अपना ख्वाब बयान फरमा रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? और नबी का ख्वाब भी हुज्जत है, दलील शरई है, वही है। तो आकल इस्लाम अपना ख्वाब बयान फरमा रहे हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मुझ पर पेश किए जा रहे हैं, यानी मेरे सामने लाए जा रहे हैं, और उन्होंने कमीज़ें पहनी हुई हैं। क्या पहनी हुई हैं? मिनहा मा यबलुगु सुदिया, उनमें से बाज ऐसे हैं कि कमीज़ जो उन्होंने पहनी हुई है ना, यानी ऊपर से इधर देखे मेरी तरफ कमीज़ पहनी हुई है, वो सिर्फ पिस्तानों तक, सीने तक है, नीचे से बरहना है, नंगे हैं, इतनी कमीज़ है। वह मिनहा मा दून ज़ालिक, और बाज वो हैं कि उनकी कमीज़ उससे नीचे है, यानी सितर को डांपने वाली, शर्मगाह को डांपने वाली। वउरिद अलैया उमर बिन खत्ताब, उसके बाद मुझ पर उमर बिन खत्ताब को पेश किया गया। किसको? अब आप ज़रा देखिए, कंपैरेटिवली बाज़ लोगों पर कमीज़ें हैं और कुछ की कमीज़ें पिस्तानों तक हैं, यहाँ तक बाज़ की उससे नीचे है। और आका ने फरमाया, उसके बाद उमर बिन खत्ताब को मुझ पर पेश किया गया, व अलैहि कमीसुन यजुर्रु, तो उनकी कमीज़ इतनी लंबी थी ऊपर से लेकर नीचे तक, और नीचे तक भी इतनी लंबी थी कि वो उसको घसीटते हुए आ रहे थे, पीछे घसीटते हुए आ रहे थे, बहुत लंबी कमीज़ थी, घसीटते हुए आ रहे थे। कालू फमा अव्वल तदालिक या रसूल अल्लाह, तो अर्ज़ की गई, हुजूर इस ख्वाब की ताबीर क्या है, तावील क्या है, कमीज़ से मुराद क्या था? कि बाज़ों की कमीज़ बड़ी छोटी, बाज़ों की उससे थोड़ी सी लंबी, बाज़ों की उससे थोड़ी सी लंबी, और उमर बिन ख़त्ताब की कमीज़ बहुत लंबी कि वो उसको खींचते हुए आ रहे थे। इससे मुराद क्या है, इस ख्वाब की तावील क्या है, ताबीर क्या है? तो फरमाया, इससे मुराद अद्दीन, इससे मुराद दीन है, उस कमीज़ से मुराद। तो बाज़ों के अंदर दीन उतना था जितनी मुझे कमीज़ दिखाई गई, और बाज़ों में दीन उससे ज़्यादा था। और उमर बिन ख़त्ताब का मामला ये है कि ये सर ता पा दीन ही दीन है, और यहाँ तक कि कमीज़ को घसीटते हुए आ रहा था, मुराद ये कि इसके दीन से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचने वाला है। बाज़ वो होते हैं कि उनका दीन उनको नफ़ा पहुँचाता है, और बाज़ वो हैं कि उनका दीन दूसरों को भी नफ़ा पहुँचाता है। तो इसमें इशारा ये था कि उमर बिन ख़त्ताब खुद भी सरापा सरतापा दीन है, और दूसरों को भी इसके दीन से नफ़ा पहुँचेगा, सुभानअल्लाह। और यही वजह थी कि आप दीन के अंदर इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे फिक्री हवाले से,
नज़रियाती हवाले से, आइडियाज़ के हवाले से, कि आपके अल्फाज को बतौर कोटेशन कोट किया जाता है। मैं उनमें से चंद वाक़यात आपके सामने अर्ज़ करूँगा। ये वाक़या मैंने आपको पहले भी सुनाया हुआ है, लेकिन बाज़ वाक़यात दोबारा इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि तज़कीर हो, नसीहत हासिल हो, याद हो जाएं और मज़बूत हो जाएं। हज़रत अम्र बिन आस के बेटे, अम्र बिन आस मिस्र के गवर्नर थे, क्या थे, तो इनके बेटे ने रेस लगाई, घोड़ों की रेस लगाई मिस्रियों के साथ। तो रेस में एक मिस्री आगे निकल गया, गवर्नर के बेटे से। जब वो आगे निकला ना, तो गवर्नर के बेटे ने पकड़ लिया और खूब मारा पकड़ के, और कहा कि तू मुअज़्ज़ज़ीन की औलाद से आगे निकलता है, तू मुअज़्ज़ज़ लोगों की औलाद को जलील करना चाहता है, तेरी ये जुर्रत, हम मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, हम यहाँ के हुक्मरान हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं। अब मिस्री, चूंकि उन्हें यकीन था, ईकान था हज़रत उमर के अदल पे, तो उसने सामान पकड़ा और मिस्र से बराह रास्त सफ़र करते हुए मदीना आ गया अमीरुल मोमिनीन के पास, और आके सारी रुदात कह दी। अब आप गौर कीजिएगा, मिस्र से मदीना अच्छा खासा सफ़र है। तो आपने ख़त लिखा हज़रत अमर बिन आस को कि अपने बेटे को लेकर फौरी मदीना पहुँचे। अब ये जो फौरी था ना, जाहरी सी बात, ये आज की हुकूमतें और अदालतें तो नहीं हैं कि अदालतों का कहना ही कोई नहीं मानता, एक छोटा सा एस एच ओ नहीं मानता, अदालत का फरमान आज मानता ही कोई नहीं, रिट्टी कोई नहीं हुकूमतों की। वो हुकूमत थी, वो खिलाफत थी, वो निज़ाम था, एक सिस्टम था। तो जैसे ही कहा कि फौरी आए, वो घबरा गए कि खुदा जाने मामला क्या बना है, और फिर मेरे इस बेटे को साथ क्यों बुलाया। उन्होंने पूछा भी कोई ख़राबी तो नहीं की तूने, मैंने तो कोई ख़राबी नहीं की। अच्छा, हो के मैं कि फौरी आए, फौरी निकलना होगा। सफ़र करके जब वहाँ पहुँचे, बजाय पानी पूछने के, खाना पूछने के, गवर्नर है आपका, अदल देखें आप, अदल। तो आपने कहा भाई वो मिस्री कहाँ हैं, कहा हुजूर वो मेहमान खाने में ठहरा हुआ, बुला के लाओ। जब बुलाया गया तो आपने फरमाया कि यही वो लड़का है जिसने तुझे मारा था, रेस है, मुकाबला है, तो उसमें कोई भी आगे निकल सकता है जिसकी सलाहियत ज़्यादा है, जिसमें हिम्मत ज़्यादा है, कुव्वत ज़्यादा है, तजर्बा ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मुकाबला जीतने में, यही है जिसने तुझे मारा, कहा जी यही है। आपने अपना दुर्रा अता कर दिया, कहा कि मुअज़्ज़ज़ीन की औलाद को मारो, खूब मारो। उसको जितना गुस्सा था उसने दुर्रे मार मार के बुरा हाल कर दिया गवर्नर के बेटे को। अब गौर फरमाएं, यहां हमारे यहां एक कुत्ते की वजह से लोगों को मार दिया जाता है, अखबारों में आप खबरें नहीं पढ़ते, एक चौधरी ने उसके कुत्ते को तकलीफ पहुंची, उसने कुत्ते के को तकलीफ पहुंचाने वाले का कत्ल कर दिया। अदल देखें कि यहां गवर्नर का बेटा है, वो एक आम शहरी है, आम सिटीजन है, शहरी है, उसकी खातिर फरमाएं मारो इसे। उसको जितना गुस्सा था उसने खूब निकाला, खूब मारा। अब जब वो थक गया ना, उसने कहा जी मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया। फरमाया नहीं, अभी नहीं हुआ, इसके बाप को भी मारो, इसके बाप ने इसकी सही तरबियत नहीं की, इसके अंदर आजजी क्यों नहीं पैदा की, इसके अंदर ये क्यों गुरूर दिमाग में चढ़ गया कि हम मुअज़्ज़ज़ीन की औलाद हैं, हम अहले हुकूमत हैं, ये दिमाग में खुमार क्यों आया, मारो इसके बाप को। उसने कहा जी नहीं, मुझ पर जिसने ज्यादती की थी मैंने उससे हिसाब पूरा कर लिया, इसके बाप ने मेरे ऊपर कोई ज्यादती नहीं की, लिहाजा मेरा हक नहीं बनता कि इसे भी तकलीफ पहुंचाऊं। उस मौके पर आपने एक तारीखी जुमला बोला जो आज भी बड़े बड़े दानश्वर बोलते हैं, सियासतदान बोलते हैं, पाकिस्तान के नहीं वैसे दुनिया में बोलते हैं। आपने तारीखी जुमला बोला, फरमाया मता इस्तअबतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। फरमाया ए अमर, तुमने लोगों को गुलाम कम से समझ रखा है जबकि उनकी माओ ने उन्हें आज़ाद जना है, उनकी माओ ने उन्हें आज़ाद पैदा किया और तुमने उन्हें अपना गुलाम समझ लिया। ये एक तारीखी जुमला था जिसने अदल और जुल्म में फ़र्क किया, अदल और जुल्म में बोलिए
फर्क कि जहां अदल होगा वहां राया में कोई बड़ा है तो आप उसको अपने बाप की तरह समझेंगे, कोई आपके हम उम्र है तो चाहे वक्त का हुक्मरान ही क्यों नहीं वो उसको अपने भाइयों की तरह समझेगा, जो छोटा है उसे अपनी औलाद की जगह समझेगा, बेटों की जगह, भतीजे बांझों की तरह समझेगा। वहां जहां अदल होगा वहां यह सोच होगी, और जहां जुल्म होगा वहां लोगों को अपना गुलाम समझा जाएगा। तो हाजरीन ये आपकी दीन में पुख्तगी थी क्या? और ये वाक्या भी आपने सुन रखा है और मैं आपको सुनाना चाहूंगा दोबारा से कि एक दफा माले गनीमत आप तकसीम फरमा रहे थे, क्या तो उसमें चादरें भी थीं, तो जितने मुजाहिदीन थे उन सबको आपने एक एक चादर दी, आपके हिस्से में भी एक चादर आई। तो उससे आगे ही जो जुमा आ रहा था ना, तो उस जुमे के मौके पर आपने उसी चादर का सिला वक्त सूट कमीज और तैमर ठीक वो पहन के आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। दौरान खुतबा एक सहाबी खड़े हो गए, कहा उमर ये जो चादरें तूने तकसीम की थी इससे हमारी तो कमीज और तैमद नहीं बनी, हमारा तो पूरा सूट नहीं बना, तुम्हारा कैसे बन गया? अब गौर फरमाइए, ये किसी छोटे से मुल्क के हुक्मरान से बात नहीं हो रही, आप यहां उससे भी नहीं बात कर सकते, आप उससे भी हिसाब नहीं मांग सकते। हुक्मरान तो क्या, आप एक छोटे से MNA MPA से भी हिसाब नहीं मांग सकते। बजाय ये कि वो एक मुल्क के बादशाह नहीं, खलीफा हैं, खलीफा हैं इतनी बड़ी रियासत के, का इस एक कपड़े से हमारा तो पूरा सूट नहीं बना, आपका कहां से बन गया? तो आपने फरमाया शाबाश, तुमने सही सवाल किया, तुम्हारा एतराज बिल्कुल बरहक है, उस एक चादर से पूरा सूट नहीं बन सकता था। जब मेरा भी पूरा सूट ना बना, अब्दुल्ला का भी ना बना, मेरे बेटे का, तो उसने अपनी चादर मुझे तोहफा दे दी, उन दो चादरों से मैंने ये सूट सिलाया है। और अब्दुल्ला खड़े होके गवाही दो, आपने खड़े होके गवाही दी कि अब्बा जान को एक चादर मैंने बतौर तोहफा दी है। ये अदल है, ये क्या है? मैंने आपको पिछले जुमे भी कुछ वाकयात बताए थे कि बाद के जमानों में हालात क्या बन गए कि अगर कोई उंगली उठाता था तो हाथ काट देते थे। ये अदल कायम किया हजरत उमर फारूक ने, और उससे पहले भी हालात यही थे, इस्लाम की आमद से कबल यही हालात है। तो ये तरबियत आपने असल में खुद फरमाई थी, ये तरबियत बोलिए। एक दिन जब आप खलीफा बने तो शूरा के दरमियान तशरीफ लाए पार्लियामेंट में, आपने फरमाया अगर उमर किसी दिन गलती करे तो क्या होगा? तो एक कमजोर से सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा हम तेरी तलवार से तुझे सीधा कर देंगे उमर। आपने उसे बुलाया और उसका माथा चूमा, कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, जब तक मेरे असहाब में मेरे साथियों में इस तरह के लोग मौजूद हैं उमर कभी राह रास्ते नहीं हटने वाला, ये मेरा चेक एंड बैलेंस रखेंगे, मुझे देखते रहेंगे परखते रहेंगे। तो खुशी महसूस फरमाते थे, क्या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब आप खलीफा बने तो आपने उलमा की जमात तैयार की जिनका फकत यह मकसद था कि वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मामलात को चेक करते रहें, उनका कोई काम दीन के खिलाफ तो नहीं, शरीयत के खिलाफ तो नहीं, इंसाफ से हटा हुआ तो नहीं। उनको सिर्फ तनख्वाह इस बात पर दी जाती थी, वो आपको रिपोर्ट लिख के भेजते थे कि ये फुला मामले में कमजोरी हो गई, फुला मामले को यूं होना चाहिए था, और आप उसको कबूल फरमाते थे। आप गौर फरमाए, जहां अदल हो वहां ये आजादी होती है फिक्र की, गौर व फिक्र की। एक दफा आप, ये आपके निजाम पे भी चूंकि साथ साथ बात हो रही, अदल पे भी और निजाम पे भी बात हो रही और खौफ खुदा पे भी बात हो रही। एक दिन आप मदीना के मजाफात में कोई बस्ती थी वहां जा रहे थे, अकेले जा रहे थे, तो आपने देखा कि एक बच्चा रो रहा है माँ की गोद में और वो उसको दूध नहीं पिला रही। आपने फरमाया खातून इसको दूध क्यों नहीं पिलाती? उसने कहा भाई हमें लालच है कि उमर ने ऐलान किया हुआ है कि जो माँ भी अपने बच्चे के दूध पिलाने की मुद्दत मुकम्मल कर दे, मुद्दत रज़ात मुकम्मल करे, उसका वजीफा जारी हो जाएगा उस बच्चे का, उस बच्चे का कि उसने दूध अपना पी लिया है उसका वजीफा जारी हो जाएगा, तो हमें लालच है, मैंने इसलिए इसका दूध जल्दी छोड़ा दिया, इसका दूध। तो आप उस जगह से आगे गए और आपकी आंखों में आंसू आ गए, का परवरदिगार मुझे माफ फरमाना, मैंने कितने बच्चों का हक मार लिया,
हालांकि ये भी एक नया निजाम था जो आप लेके आए थे कि जो बच्चे दूध पीछे चुके हों उनका वजीफा जारी होता था, उनके तालीम के अखराजात, परवरिश के अखराजात सब हुकूमत उठाती थी। बेहतरीन निजाम लेके आए, उसके पीछे बहुत बड़ी खैर वाली नीयत थी, लेकिन इसको भी मुहासबे नफ्स करते हुए कहा, उमर तुम कितने बच्चों का हक मार चुके कि उनकी माओ ने उनका दूध जल्दी छुड़ा लिया होगा इस लालच में कि वजीफा जारी हो जाए। तो आप उसी वक्त मदीना लौट गए और जाके ऐलान फरमाया कि अब जो मां भी अपने बच्चे को दूध पिलाएगी उस मां को भी अलग से वजीफा जारी किया जाएगा। और ये आपका बनाया हुआ निज़ाम आज भी यूरोप, अमेरिका और दीगर रियासतों में आज भी मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, आज भी मौजूद है। यानी जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको हुकूमत की तरफ से वजीफा दिया जाता है। ये बात आप समझे कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ वो मिल्क बैंक वाला एक मसला इशू खड़ा हुआ ना कि ख़वातीन अपना दूध जाके बेचती हैं और जिस माँ को बच्चे के लिए दूध चाहिए हो, इंसान का दूध, औरत का दूध, तो वो वहाँ से ख़रीद लाती है। ये मसला क्यों पैदा हुआ? एक तो ये बात समझे कि इसमें इस्लाम ने जो बुनियादी तसव्वुर दिया रज़ात का, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रज़ात यानी दूध पिलाने से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो खून से हराम होते हैं। जो बोलिए, यानी जिस तरह जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उससे आपका खूनी रिश्ता है, वो आपके लिए हराम है, उससे निकाह हो सकता नहीं है, उसकी बेटी से आपका निकाह हो सकता, वो रजाई बहन है। इसी तरह दूध के रिश्ते भी खून के रिश्तों की मानिंद हराम है, रजाई माँ, रजाई बहन, वो हराम है, उससे निकाह नहीं हो सकता। अब जब हजारों लाखों खवातीन इस तरह दूध जमा कराएंगी तो मालूम नहीं कौन सी औरत है जिसकी बेटी आपकी रजाई बहन बनेगी। हलाल हराम का फर्क खत्म हो जाएगा ना। एक तो इसके मफासिद ये हैं, दीनी मफासिद, दीनी खराबियां, दूसरी तरफ अखलाक के जवाल, अखलाक के जवाल की इंतहा हो गई कि खवातीन मजबूर है अपना दूध बेचने के लिए। जाहिर सी बात है ये कोई अमीर घर की औरत तो ऐसा नहीं करेगी ना कि वो अपना दूध अपने जिस्म से निकाल के दूध बेचे, वो अमीर घर की औरत तो नहीं करेगी। ये अखलाक के जवाल और पस्ती और गिरावट की इंतहा है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो हजरत उमर फारूक ने वजीफा जारी फरमाया जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, ये उनका अदल है। और आज हमारे पास ये सिर्फ किस्से हैं, कहानियां हैं। हमारा मिजाज ऐसा बन गया, हम अमली तौर पे कुछ नहीं करते और हज के मौके पर इमाम भी दुआ कर रहा होता है और हम आमीन कह रहे होते हैं, या अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को नेस्तो नबूद कर दे। वैसे कुछ नहीं करना, हज पे हम सिर्फ दुआएं करते हैं, या अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को नेस्तो नबूद कर दे, यही हमारा मिजाज बन गया ना जी। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो मजबूत निज़ाम आपने कायम किया, क्या मजबूत निज़ाम दिया उम्मत को, क्या और साथ मजबूत ईमान भी दिया, मजबूत यकीन दिया, मजबूत दर्जे का यकीन उम्मत को दिया। हजरत खालिद बिन वलीद जिनकी फतुहात मशहूर हैं और आपने बहुत सी फतुहात फरमाई हजरत खालिद बिन वलीद ने। अब हुआ यूँ, तवज्जो करें मेरी तरफ, तवज्जो है, जागे हुए हैं ना, सलामत रहें, अल्लाह आपसे राजी हो। तो हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में लोग ये बातें करने लग गए, चूंकि खालिद बिन वलीद था इसलिए फतह हो गई, अगर खालिद बिन वलीद ना होता ये जंग फतह नहीं हो सकती थी, ये बातें शुरू हो गई ना। तो ये बातें हजरत उमर फारूक के कान तक पहुंची कि लोग ये कहने लग गए अगर खालिद ना होता जंग फतह नहीं होनी थी। हाँ, खालिद बिन वलीद की वजह से जंग फतह हुई। इस तरह की जब बातें सुनी तो आपको खटका लगा, क्या लगा खटका, कि इस तरह तो जब खालिद बिन वलीद दुनिया से जाएंगे ये जंग ही लड़ना छोड़ देंगे, ये कहेंगे अब खालिद बिन वलीद ही नहीं रहे तो हम किस तरह जीते, हम किस तरह फतह हासिल करें, हम तो उनके बगैर कुछ नहीं। ये हमारा मिजाज आज भी ऐसा ही है ना, हम जो फौत होने वाला होता है हम कहते हैं इस जैसा कभी नहीं आना, पूरी कौम को मायूस कर देते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जो है वो बारिश की तरह है। किसकी तरह है? खबर नहीं कि उसका पहला हिस्सा ज्यादा बरकत वाला है या आखिरी हिस्सा ज्यादा बरकत वाला है। इस उम्मत में बड़े बड़े खैर वाले, बरकत वाले, शुजा
आलिम भी, मुजाहिद भी, सियासतदान भी, हुक्मरान भी पैदा होते रहेंगे। यह तसव्वुर इस्लाम का दिया हुआ नहीं है कि जो एक दफा फौत हो गया उस जैसा दोबारा कोई नहीं आएगा, ना, बल्कि बाद वाले बाद औकात वैसा काम करते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया होता। पहले बोलिए, हाँ, एक फर्क ये है कि बाद वाले जितने भी काम करें उसका अजर पहलों वालों को पहुंचेगा क्योंकि बुनियाद उन्होंने कायम की। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बाद वाले ऐसा ऐसा निज़ाम बनाते हैं, तरक्की करते हैं, कामयाबियां हासिल करते हैं, दीन को इतना नफा पहुंचाते हैं जितना नफा पहले लोगों ने नहीं पहुंचाया होता। मेरी बात आप समझ रहे कि नहीं? खुद इमाम मोहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम के बारे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से एक बेटा होगा जो पूरी रूहे जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा और अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया पे गालिब कर देगा। अब ये शरफ किसी को हासिल नहीं, ये इमाम मोहम्मद अल महदी को हासिल होगा कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को नाफिज करना। पूरी दुनिया पे इस्लाम आज तक नाफिज नहीं हुआ, ये इमाम मोहम्मद अल महदी करेंगे। तो ये कौम के अंदर मायूसी भर देना कि जो फौत हो गया वो जैसा कोई भी नहीं आ सकता, ये बिल्कुल झूठ है, ये झूठा तसव्वुर है, किसी दुश्मन ने पैदा किया हमारे अंदर। वरना कुरान मजीद को पढ़िए या आप अहदीस रसूल को पढ़िए। क्या रसूलुल्लाह खातमुन नबीजीन नहीं है? आके वो काम किया जो किसी नबी ने नहीं किया, समझे बात? यानी ये तसव्वुर सिरे से किसी दुश्मन ने हमारे अंदर पैदा कर दी है कि जो चला गया अब उस जैसा कोई नहीं आना, हम तो सारे ही निकम्मे नकारे हैं, बेकार हैं, हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत बारिश की मानिंद, मालूम नहीं अगला हिस्सा ज्यादा बरकत वाला या पहला ज्यादा खैर वाला, बरकत वाला। दीन को ज्यादा नफा कौन पहुंचाएगा, फायदा कौन पहुंचाएगा? तो मैं ये बात सुना रहा था, हजरत खालिद बिन वलीद के बारे ये तसव्वुर पैदा हो गया। तो आपने हजरत खालिद बिन वलीद को उनके ओहदे से माजूल कर दिया। हाँ, उसकी एक और वजह भी बनी, जब आप ईरान की फतह के लिए जा रहे थे ना, हजरत खालिद बिन वलीद ना रूम की फतह के लिए, इराक और रूम की फतह के लिए, तो हजरत उमर फारूक ने उन्हें ट्रैक भेजा था कि इस रास्ते से जाना, मुख्तसर रास्ते से न जाना, उस रास्ते में कोई कुआं नहीं, पानी का कोई इंतजाम नहीं, जानवरों की जान खतरे में होगी, लश्कर की जान खतरे में होगी। आपने उस वक्त खुद स्टैंड लिया, हजरत खालिद बिन वलीद ने खुद से स्टैंड ले लिया कि अगर इस मुख्तसर रास्ते से जाएंगे है तो मुश्किल, लेकिन हम पहले पहुंच जाएंगे, जाके मैदान पर कब्जा कर लेंगे और फतह आसानी से हासिल हो जाएगी। उन्होंने हजरत उमर फारूक के हुक्म की अदूली करते हुए आसान जो रास्ता था उसको छोड़ दिया और मुश्किल रास्ते को इख्तियार किया। अब जब वहां पहुंचे, जंग भी फतह हो गई, हजरत उमर फारूक ने माजूल कर दिया हजरत खालिद बिन वलीद को, क्या कर दिया? हालांकि उनकी नीयत अच्छी थी, क्या? लेकिन आपके ऊपर एतराज हुआ, आपके कबीले के लोग जमा हो गए हजरत खालिद के कबीले के, उन्होंने कहा उमर ये तूने क्या किया, क्या कोई हसद है तुम्हारे दिल में? आपने फरमाया नहीं, अल्लाह की कसम मेरे दिल में कोई हसद नहीं खालिद के लिए। लेकिन याद रखो, निजाम हमेशा खलीफा के हुक्म की पाबंदी से चलते हैं। अगर हर शख्स मनमानी के ऊपर उतर आए तो निजाम धर्म बरम हो जाएगा। और दूसरी वजह, मैंने तुम्हें सुना कि तुम कहते हो खालिद बिन वलीद ना होता तो फतह कभी ना होती। इसका मतलब खालिद बिन वलीद के बाद तुम जिहाद करना छोड़ दोगे, तुम दुश्मन से लड़ना छोड़ दोगे, तुम फतह हासिल करना छोड़ दोगे, तुम्हारे हौसले तो पस्त हो जाएंगे, तुम्हारा ईमान किधर जाएगा? तो मैंने खालिद बिन वलीद को इसलिए माजूल किया उनके ओहदे से ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं उनके बगैर भी अल्लाह फतह देगा। पहले भी फतह अल्लाह देता था, अब भी फतह अल्लाह देगा। अल्लाह ताला किसी वजूद का मोहताज नहीं है। ये निजाम भी दिया और ईमान और यकीन भी दिया खुदा की जात पर, समझे? आप यानी बोलिए। और जब आप शाम फतह हो गया तो फिर हजरत अबू बैदा बिन अल जर्राह को आपने सिपा सलार मुकर्रर कर दिया था फौज का, हजरत खालिद को मजूल कर दिया और हजरत अबू उबैदा को सिपा सलार मुकर्रर कर दिया। उन्होंने फिर दावत दी आपको कि यहाँ के पादरी और यहाँ के उलमा, यहाँ के लोग दरख्वास्त करते हैं आपके हुजूर कि आप एक दौरा फरमाएं, तशरीफ लाएं यहाँ पे शाम में। रूम बहुत बड़ी सल्तनत थी ना, सुपर पावर थी, अमेरिका था उस दौर का, आप तशरीफ लाएं।
आप निकले और अपने साथ सिर्फ अपना गुलाम लिया, कोई प्रोटोकॉल नहीं, सिर्फ गुलाम लिया एक, और एक नाका ऊंटनी उसको लिया और चल पड़े, और गुलाम के साथ तय कर लिया कि 1 किलोमीटर 1 मील सफर सवारी पे मैं बैठ के तय करूंगा, तुम पैदल चलोगे, फिर अगले मील पे तुम बैठ जाओगे, मैं पैदल चलूंगा। यानी 2 सवारियां भी नहीं ली कि बैतुल माल ये मुसलमानों का माल है, हमारा माल नहीं है, एक से जरूरत पूरी हो जाएगी। अब चलते चलते खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब मुल्क शाम की सरहद, जहां बड़े बड़े पादरी, उनके उलामा और उनके बड़े बड़े सियासतदान और मुदब्बिरीन खड़े थे इस्तकबाल के लिए, हजारों लोग इस्तकबाल के लिए खड़े थे, वो जो आखिरी मील शुरू हुआ ना, तो वो गुलाम की बारी आ गई और दूर से वो खड़े हुए नजर भी आ रहे थे। अब गुलाम ने हाथ जोड़े के, नहीं हुजूर ऐसा ना करें, नाका पर ऊंटनी पर आप ही बैठे रहें, मुझे मत बिठाएं, इसमें हमारी इज्जत नहीं, इसमें इस्लाम की इज्जत नहीं, खलीफा पैदल चल रहा हो, गुलाम सवारी पे बैठा हो और अमीरुल मोमिनीन ने मुहार पकड़ी हो, इसमें हमारी इज्जत नहीं। फरमाया मैं बेहतर जानता हूं किस चीज में हमारी इज्जत है, यदल के खिलाफ है, ये इंसाफ के खिलाफ है, हमने शुरू में तय किया था, लिहाजा तय करदा बात से मैं हट सकता नहीं, अब मेरा नीचे उतरने का वक्त है, तुम्हारा बैठने का वक्त है। गुलाम को बिठा दिया, वो स्याफाम गुलाम था हबशी, खुद पैदल चल रहे हैं, मुहार पकड़ी हुई। जब करीब आए तो उनके पादरी कहने लगे, ये है तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन, इससे ज्यादा खूबसूरत उसका गुलाम है जिसने मुहार पकड़ी हुई है, वो ज्यादा वजाहत वाला, रोब दबदबा वाला खूबसूरत लग रहा है। आपने फरमाया नहीं नहीं, तुम्हें मुगालता हुआ है, तुम्हें मुगालता हुआ है, वो जो मुहार पकड़ के चल रहा है वो इमाम है और जो सवारी में बैठे वो गुलाम है। जब आप करीब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया हजरत अबू उबैदा ने कहा, आपको इस वक्त सवारी पे होना चाहिए था। तो आपने फरमाया, अबू उबैदा, अल्लाह ने हमें इस्लाम के सबब इज्जत अता की है, अगर हम इज्जत किसी और चीज में तलाश करेंगे अल्लाह हमें जलील कर देगा, अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत दी, जब तक हम इस्लाम पर कायम हैं हम इज्जतदार रहेंगे, और जब हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे जैसे हम और हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, अल्लाह हमें जलील कर देगा। ये आपका तारीखी जुमला था, इसको पीर नसीरुद्दीन गिलानी ने क्या खूबसूरत कहा, कहा वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को, वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को कि गुलाम नाका पर है और इमाम चल रहा है, कि गुलाम नाका पर है और इमाम चल रहा। फिर आपने वहां दौरा फरमाया, बड़ा लंबा आपका दौरा था, तो आपसे पूछा गया, हुजूर हम चर्च के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं मुसलमान? तो आपने फरमाया, हरज नहीं, शरी हरज, लेकिन मैं तुम्हें मना करूंगा कि चर्च में नमाज पढ़ने न जाया करो, उसकी वजह यह होगी कि इस तरह इनका हक मारा जाएगा, इनका ये अदल है, फरमाया इनका हक मारा जाएगा, तुम 5 वक्त नमाज के लिए आया करोगे, तुमने तो नमाज अदा करनी, अल्लाह की नमाज पढ़नी ना, तो इन बेचारों का हक मारा जाएगा, ये दबे रहेंगे, लिहाजा अलग से अपनी मस्जिद कायम करो यहां पर। कहा किस जगह मस्जिद कायम करें? कहा वही जगह जहां रसूलुल्लाह ने नबियों की इमामत की थी, उस जगह मस्जिद कायम करो। जब आप वहां तशरीफ लाए तो वहां कूड़ा करकट का ढेर पड़ा था, आपने उन ईसाई उलमा से कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी नफरत है खातमुन नबीयीन की कि जिस जगह आपने इमामत फरमाई थी अंबिया की, तुम जानते हो ये वो जगह, तुमने यहां गंदगी फेंकी हुई, वो जगह साफ करवाई और वहां पर मस्जिद की आपने बुनियाद रखी। उसके बाद आपने चाहा कि मैं फौजियों के हवाल देखूं, लश्कर के हवाल देखने के लिए आप तशरीफ ले गए, तो हजरत अबू उबैदा के खेमे में ठहरे। कहां बोलिए? तो लश्कर के हाल अहवाल के लिए चले गए, हजरत अबू उबैदा के खेमे में ठहरे। कहां? हजरत अबू उबैदा के खेमे में। तो दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपसे अर्ज की गई, हुजूर यहां खाने का वक्त हो चुका है तो हमें शर्फ बख्शें। फरमाया ठीक है, खाना ले आओ। अर्ज की गई कि आपको लश्कर का खाना पेश किया जाए या अमीर लश्कर का खाना पेश किया जाए? तवज्जो है आपकी कि नहीं? समझे समझे।
आपको लश्कर का खाना पेश किया जाए या अमीर लश्कर का। अब आपके जहन में तजस्सुस आया कि क्या दो अलग अलग खाने। आपने फरमाया दोनों ले आओ। जब लश्कर का पहले खाना पेश किया गया तो वो गोश्त था भुना हुआ और सालन था और साथ सरीद थी रोटी की बनी हुई, कहा बेहतरीन खाना है। फरमाया उसके बाद फरमाया अमीर लश्कर का खाना लेके आओ। हाय हाय हाय। जब अमीर लश्कर का खाना लाया गया हजरत अबू उबैदा का, तो वो सूखे हुए गिरे हुए रोटी के टुकड़े थे और उसके साथ एक प्याला दूध था। जो रोटी के टुकड़े लश्कर गिरा देता था ना खाते हुए, उसको चुनते थे हजरत अबू उबैदा कि वो रिस्क भी जाया ना हो जाए। ये अमानत है हमारे पास, ये हमारी जाती जेब का खाना नहीं, अमानत है। अमीर लश्कर उन रोटी के टुकड़ों को जमा करते अपने लिए और दूध का एक प्याला उसमें डिबो डिबो के खाते। हजरत उमर फारूक ने जब ये मंजर देखा तो रिक्कत तारी हो गई, फूट फूट के रोने लग गए और रोते हुए फरमाया कि लकद सदक मन कालक मन काल लक अमीन हादिहि उम्मा, कहा उस रसूल ने सच फरमाया जिन्होंने तुझे इस उम्मत का अमीन करार दिया है। हजरत अबू उबैदा को रसूलुल्लाह ने कहा अमीन हाजिहि उम्मा, ये इस उम्मत का अमीन है अबू उबैदा। कहा रसूलुल्लाह ने सच फरमाया तू इस उम्मत का अमीन है। क्या अमानतदारी का इजहार है कि लश्कर को तो गोश्त सालन सरीद रोटियां पेश की जा रही और अमीर लश्कर वो टुकड़े रोटी के उठा के दूध में डिबो डिबो के खाता है। ये अदल है, अगर ऊपर तक है तो नीचे तक भी है। आपने गौर फरमाया अदल नीचे से ऊपर तक हर तरफ ग्राफ अदल का है। यूं नहीं होता कि मैं अदल का दर्स दूं और मेरे मामलात कुछ और हों और आपके मामलात कुछ और हों, कभी अदल कायम हो पाएगा? अदल यूं कायम होता है। सुभान अल्लाह। तो फरमाया सदक मन सम्माक अमीन हादिहि उम्मा, जिस हस्ती ने तुझे अमीन हादिहि उम्मा कहा उस रसूल ने सच फरमाया। और आखिर में मैं आपकी तालीमात में से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आपका एक कौल है, आपने फरमाया कूनु दुआतन इलल्लाह व अंतुम सामितून, फरमाया अल्लाह की तरफ दावत देने वाले बन जाओ लेकिन जुबान से खामोश रहो, जुबानें बंद रखो मुंह से खामोश रहो और अल्लाह की तरफ दावत दो। तो अर्ज की गई अमीरुल मोमिनीन ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की तरफ दावत दें और जुबान से खामोश रहें? قال بأخلاقكم, फरमाया अपने अखलाक से अल्लाह की तरफ दावत दो, अपने अखलाक से अल्लाह की तरफ दावत दो, जुबान खामोश हो तुम्हारे अखलाक खुदा की तरफ बुलाने वाले हों। और यह आपकी खुदा खौफी थी कि वफात के वक्त रो पड़े। क्या किसी ने कहा कि आप क्यों रोते हैं? का अखाफ व नकून कद अतैतु बिذنب احسبه هينا وهو عند الله العظيم, कहा मैं इस बात पे रोता हूं कि कहीं मैंने कोई ऐसा गुनाह ना कर लिया हो जिसको मैं छोटा समझता हूं और वो अल्लाह के यहां बहुत बड़ा हो। और ऐसे न जाने हम कितने गुनाह बेधड़क कर जाते हैं। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमें उन लोगों में से शुमार फरमाए जो दुनिया और आखिरत में उससे डरते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। एक दफा आपने एक शख्स को सुना, इसमें हमारे लिए तालीम है, एक शख्स को सुना वो दूसरे की तारीफ कर रहा था। क्या कर रहा था? तो आपने फरमाया असाफर तमाह, फरमाया तूने इसके साथ सफर किया है? क्या तूने इसके साथ सफर किया है? قال لا, उसने कहा नहीं कभी सफर नहीं किया। قال اخالته, कहा कभी माल में शराकत दार बनाया या माली मामलात में या खाने में इसको शरीक किया या माल में इसको शरीक किया कभी? कहा नहीं। قال والله الذي لا اله غيره ما تعرفه, तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं तू इसको फिर जानता ही नहीं है। क्योंकि इंसान या सफर से पहचाना जाता है कि वहां राहतें अपने लिए रखता है या आपके लिए, अच्छा अच्छा खाना खुद खाने की कोशिश करता है या आपको देता है, समझ रहे हैं? या माली मामला से पता चलेगा कि माल में आपने शरीक किया उसे वो किस तरह का निकला, पैसे खा गया या आपको तरजीह देता रहा। या तो माली मामला से पता चलता है कोई किस तरह का है,
या फिर सफर करने से पता चलता है। फरमाया इसके बगैर कोई तारीफ के लायक नहीं हो सकता। जब तुम उसके साथ चले ही नहीं, तुम्हें क्या खबर वो किस तरह का आदमी। इसी तरह आपका एक बड़ा खूबसूरत कौल है, काश अल्लाह हमें, मुझे और आप सबको इस पे अमल की तौफीक दे। आपने फरमाया, मा नदिमतु अला सुकूति मर्रतन लाकिन्ननी नदिमतु अलल कलामी मिरारा। आप फरमाते, मैं कभी अपनी खामोशी पे शर्मिंदा नहीं हुआ, मैं कभी अपनी खामोशी पे शर्मिंदा, लेकिन अपने बोलने पे कई दफा शर्मिंदा हुआ हूं। यह असल में हमारे लिए तालीम है, यह हमारी तरबियत है कि मैं कभी अपनी खामोशी पे शर्मिंदा नहीं, हमेशा बोलने पे शर्मिंदा हुआ। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। हज़रत उमर और खुलफ़ राशिदीन और रसूलुल्लाह जैसे अखलाक की दौलत और शर्फ हमें अल्लाह ताला फरमाए। उन जैसा अदल हमारे दिल में, मिजाज में, घरों में, हमारी रियासतों में अल्लाह कायम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।